अस्सलामु अलैकुम। आज हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें, वी नो दैट माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट ओवर टू ए एंड माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट ओवर टू ए, ये दोनों जो हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर हैं और ये दोनों रूट्स कहलाएंगे, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो उसके ये दो आंसर आते हैं और ये दोनों आंसर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे, जबकि यहाँ पे ये जो ए बी सी हैं ये कोफिशेंट हैं। ए बी आर कोफिशेंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। और ये जो c है, c इज कॉन्स्टेंट टर्म, ये कॉन्स्टेंट टर्म कहलाती है। अब हमने इन रूट्स और ये जो कोफिशेंट हैं a, b और c, इनके दरमियान रिलेशन बताना है कि वो क्या है। हम लेट कर लेते हैं, ये जो फर्स्ट रूट है ये अल्फ़ा है, और ये जो सेकंड रूट है इसे हम बीटा ले लेते हैं। अब हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स मीन अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल आ जाएगा पहले अल्फा की वैल्यू प्लस फिर बीटा की वैल्यू तो 2a इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट और ये वाली सारी टर्म आ जाएगी माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट। ये देखें, ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस में है ये माइनस में, बाकी क्या बच गया माइनस बी माइनस बी माइनस टू बी ओवर टू ए, तो टू से टू कैंसिल तो ये आएगा माइनस बी ओवर ए। तो देखिए सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आया, माइनस बी ओवर ए के। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा की वैल्यू पुट कर लें मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू तो देखें ये इक्वल आएगा। यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा ओवर ये टू ए, टू ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस बी का स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी ओवर फोर ए, ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा फोर ए सी ओवर ये फोर ए स्क्वायर आएगा फोर ए स्क्वायर। देखें फोर से फोर कैंसिल और एक ए कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा सी ओवर ए। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा वो इक्वल आएगा सी ओवर ए, तो सम ऑफ रूट माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल सी ओवर ए, ये रिलेशन है रूट्स और कोफिशेंट के दरमियान। एग्जाम्पल नंबर वन है, इसमें वो कहते हैं विद डाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस।
पार्ट वन है 3x² - 5x + 7 = 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0 इसके साथ कंपेयर कर ले तो x² का जो कोफिशेंट है वो a होगा, a = 3 आ जाएगा। x का कोफिशेंट b होता है तो b इक्वल आएगा -5, और जो कांस्टेंट टर्म है ये c होती है, c आ जाएगा 7। अब हमने सम ऑफ रूट्स निकालना है। सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है -b/a, ये माइनस एज इट इज़, b की वैल्यू पुट कर दें -5 ओवर a की वैल्यू 3, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, +5/3। तो सम ऑफ रूट्स इक्वल आएगा 5/3। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट देखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होता है c/a, c की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 3, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल आएगा 7/3। एग्जाम्पल नंबर 2 है, पार्ट 2 है इसी एग्जाम्पल का, x² + 4x - 9 = 0। इसमें x² का कोफिशेंट 1 है तो a = 1 आएगा, x का कोफिशेंट 4, b = 4, कांस्टेंट टर्म -9, ये c के इक्वल आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स इक्वल -b/a, माइनस एज इट इज़, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा -4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होता है c/a, c -9 है, a 1, तो आंसर क्या आएगा -9। नेक्स्ट है टू फाइंड अननोन वैल्यूज इन्वॉल्व इन अ गिवन इक्वेशन, यानी कोई अननोन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एग्जाम्पल 1 है, फाइंड वैल्यू ऑफ h इफ़ सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 times द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है 3x² + 9 - 6h * x + 5h = 0। इसमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें गिवन है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 times द प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके साथ कंपेयर कर लें। x² का कोफिशेंट 3 है तो a = 3 आ जाएगा, x का कोफिशेंट 9 - 6h है तो ये b आ जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है ये 5h है तो c इक्वल आ जाएगा 5h। देखें सम ऑफ रूट्स ये इक्वल होता है -b/a, तो b माइनस एज इट इज़, b की वैल्यू है 9 - 6h ओवर a क्या है जी 3, इसमें से 3 कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा हमारे पास 3 - 2h, और ये 3 नीचे है, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -3 + 2h। तो सम ऑफ रूट्स इक्वल आ गया -3 + 2h। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होता है c/a, c की वैल्यू है 5h ओवर a की वैल्यू है 3, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल आएगा 5h/3। अब बाय गिवन कंडीशन है कि सम ऑफ रूट्स इक्वल है 3 times ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसमें वैल्यू पुट कर दें। सम ऑफ रूट है -3 + 2h, ये 3 एज इट इज़, प्रोडक्ट ऑफ रूट है 5h/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखें इस -3 को इधर ही रहने दें, यहाँ पे 5h है तो ये वाला 2h इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखें ये वाला -3 इक्वल 5h में से 2h माइनस कर दें तो ये 3h आ जाएगा, दोनों साइडों पे 3 पे डिवाइड कर दें तो h इक्वल आ जाएगा -1, ये h की वैल्यू आ गई। सेकंड एग्जांपल है, इसमें हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे सेकंड केस है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज यूनिटी, यानी इसमें रूट्स के स्क्वायर का सम हमें गिवन है वो 1 के इक्वल है और हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है।
लेट कर लें अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x² प्लस 3px प्लस p² इक्वल टू 0, यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो है अल्फा और बीटा। तो इसमें जो a है वो क्या होगा, x² का कोफिशेंट 4 है ये a के इक्वल होगा, x का कोफिशेंट 3p ये b के इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म p² है तो c इक्वल आ जाएगा p². तो देखें अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल आएगा माइनस बी ओवर ए, बी है 3p ओवर ए 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा माइनस 3p ओवर 4। अल्फा बीटा इक्वल होता है c ओवर ए, तो c है p² और a है 4, तो अल्फा बीटा इक्वल आ जाएगा p² / 4। अब देखें हमें गिवन है सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इनका स्क्वायर ले लें तो वो आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इनका सम, तो इनका इन्हें प्लस कर लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इक्वल टू यूनिटी है, यूनिटी का मतलब 1। तो ये इक्वेशन गिवन है जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। हमारे पास जो गिवन है वो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो हम इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इन दो में चेंज करेंगे। तो देखें इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, उसके लिए हम इसमें 2 अल्फा बीटा प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। अब देखें ये जो पहली तीन टर्में हैं ये मिलके कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, a की जगह अल्फा है और b की जगह बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। इसमें वैल्यू पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस 3p/4, इसका स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़, अल्फा बीटा है p² / 4 इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसका स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा 9p² / 16 माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस p² / 2 इक्वल टू 1। इसका एलसीएम ले लें, 16 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 9p² माइनस, ये 16 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 8 आ जाएगा, 8p² इक्वल टू 1, 9p² माइनस 8p², ये p² आ जाएगा, 16 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 16, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें तो p इक्वल आएगा प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ये p की वैल्यू आ जाएगी। एग्जांपल 3 है, इसमें वो कहता है फाइंड h इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 3, यानी जो दोनों रूट्स हैं उनमें 3 का डिफरेंस है। तो ये इक्वेशन है जी x² माइनस h ऑफ x hx प्लस 10 इक्वल टू 0, इसमें x² का कोफिशेंट 1 है तो a इक्वल 1 आ जाएगा, x का कोफिशेंट माइनस h है तो ये b के इक्वल आएगा, ये कांस्टेंट टर्म 10 है तो ये c के इक्वल आ जाएगी। अब लेट कर लें जो फर्स्ट रूट है वो अगर अल्फा है तो जो सेकंड रूट है वो क्या होगा, इन दोनों रूट्स में 3 का डिफरेंस है, इसमें प्लस 3 कर लें तो ये सेकंड रूट आ जाएगा, फर्स्ट रूट अल्फा और सेकंड रूट अल्फा प्लस 3। अब हम इसका सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, तो सम ऑफ रूट में इन दोनों रूट्स को प्लस कर लेंगे, अल्फा प्लस 3 ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, तो बी की वैल्यू है माइनस एच ओवर ए क्या है 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एच, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 अल्फा इक्वल इस 3 को इस साइड पे जाके माइनस कर दें तो अल्फा आ जाएगा एच माइनस 3/2। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो होता है सी ओवर ए, सी की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस 3 इक्वल आ गया 10/3। अब देखें हम इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा है एच माइनस 3/2, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा एच माइनस 3/2 इंटू, इस अल्फा की जगह भी एच माइनस 3/2 आ गया और ये वाला प्लस 3 इक्वल टू 10।
इसको सिंपलीफाई कर लें, एच माइनस थ्री ओवर टू, इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा एच माइनस थ्री प्लस ये टू इससे मल्टीप्लाई होगा सिक्स इक्वल टू टेन, तो ये एच माइनस थ्री आ गया और इसको माइनस कर लें सिंपलीफाई तो ये आ जाएगा एच प्लस थ्री ओवर ये टू, टू से मल्टीप्लाई होगा फोर। ये देखें a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये आ जाएगा एच स्केयर माइनस थ्री का स्केयर नाइन इक्वल ये फोर, टेन से मल्टीप्लाई होगा फोर्टी, तो एच स्केयर इक्वल आएगा ये माइनस नाइन, इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो ये इक्वल आ जाएगा फोर्टी नाइन, स्केयर रूट लेंगे दोनों साइडों पे तो h इक्वल आएगा प्लस माइनस सेवन, ये h की वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर फोर है, वो कहते हैं फाइंड p इफ़ रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशन सेट्सफाई रिलेशन टू अल्फा प्लस फाइव बीटा इक्वल टू सेवन। ये इक्वेशन गिवन है, इसमें एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट वन है तो a इक्वल वन आ जाएगा, b इक्वल माइनस फाइव और c इक्वल टू p। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस b ओवर a, माइनस b की वैल्यू है माइनस फाइव, a वन है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया प्लस फाइव। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा वो इक्वल आएगा सी ओवर ए, सी पी है और ए वन है तो अल्फा बीटा इक्वल टू आ गया पी। और जो तीसरी इक्वेशन हमें गिवन है वो है टू अल्फा प्लस फाइव बीटा इक्वल टू सेवन। अब देखें ये जो पहली इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फाइव, इसमें अल्फा बीटा है और ये जो तीसरी इक्वेशन है इसमें भी अल्फा और बीटा है, तो पहले हम इसको और इस इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद वो अल्फा बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास ये पी आ जाएगा। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो अल्फा इक्वल आएगा फाइव माइनस बीटा, इसको हम इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं, ये इक्वेशन नंबर टू हो गई, ये वाली इक्वेशन नंबर थ्री। अब ये अल्फा की वैल्यू पुट कर लें इक्वेशन नंबर थ्री में, पुट इन थ्री तो ये जो इक्वेशन थ्री है ये आ जाएगा टू, अल्फा की जगह आएगा फाइव माइनस बीटा, ये वाला प्लस फाइव बीटा एज इट इज़ इक्वल टू सेवन, सिंप्लीफाई कर लें ये आ जाएगा टेन माइनस टू बीटा प्लस फाइव बीटा इक्वल टू सेवन, फाइव बीटा माइनस टू बीटा थ्री बीटा आ जाएगा इक्वल, ये वाला टेन इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो थ्री बीटा इक्वल टू माइनस थ्री, थ्री पे डिवाइड कर दें तो बीटा की वैल्यू आएगी माइनस वन। अब ये जो बीटा इक्वल टू माइनस वन है इसको पुट कर लें इक्वेशन नंबर वन में, पुट बीटा इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर वन, तो अल्फा इक्वल आएगा फाइव माइनस बीटा की जगह माइनस वन तो ये आ जाएगा फाइव प्लस वन तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी सिक्स। अब ये अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इन इक्वेशन नंबर टू, तो अल्फा की वैल्यू है सिक्स, बीटा की है माइनस वन इक्वल टू पी, तो पी इक्वल टू आ जाएगा माइनस सिक्स, ये पी की वैल्यू आ गई। एग्जाम्पल फाइव है, इसमें वो कहते हैं फाइंड m if sum and product of roots of the equation is equal to a given number say lambda, यानी sum और product of roots एक ही number lambda के equal है तो m की value find करनी। Equation हमारे पास given है 5x square plus 7 minus 2m into x plus 3 equal to 0, इसमें a equal to 5 है, b equal है 7 minus 2m और c equal है 3। Let कर लें अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, फर्ज कर लें इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू है प्लस सेवन माइनस टू एम ओवर फाइव, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा माइनस सेवन प्लस टू एम ओवर फाइव। ऐसे ही जो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा वो इक्वल होता है सी ओवर ए, सी की वैल्यू है थ्री और ए की वैल्यू है फाइव, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा। अब बाय गिवन कंडीशन के मुताबिक देखें, वो कहता है कि अल्फा प्लस बीटा ये भी लैम्डा के इक्वल है और अल्फा बीटा भी लैम्डा के इक्वल है,
दोनों एक ही नंबर लैम्डा के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि ये जो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपस में इक्वल है। सम ऑफ रूट इक्वल है माइनस सेवन प्लस टू एम ओवर फाइव, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस सेवन प्लस टू एम ओवर फाइव, और अल्फा बीटा इक्वल है थ्री बाई फाइव। दोनों साइडों पे फाइव से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइव कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा माइनस सेवन प्लस टू एम और यहाँ पे थ्री बचेगा। इस सेवन को राइट साइड पे जाके प्लस कर दें तो टू एम इक्वल टू टेन आ जाएगा। टू पे डिवाइड कर दें दोनों साइडों पे तो एम इक्वल आएगा फाइव, तो ये एम की वैल्यू आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।